नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स में हमें ट्रेड करना है, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है। कल ट्यूसडे है और मार्केट पे जिस तरीके से आज हम लोगों ने देखी कि मार्केट एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करते रहा और लास्ट मूवमेंट पे हम लोगों ने एक सेल ऑफ देखी, फिर एक रिकवरी देखी, तो ये दो दिन से कंटिन्यू रह रहा था। हमने फ्राइडे को भी देखा था और ये मंडे को आज भी देखा हमने। तो अभी मार्केट पे क्या करना है वो मैं आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स के थ्रू बताऊंगा। अभी हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक पे आप लोग बाय इनिशिएट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर आप देख सकते हैं कि एक राइजिंग चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक राइजिंग चैनल के अंदर ये अब ट्रेड कर रहा है और एग्जैक्ट अपने चैनल के बॉटम पर आ चुका है, लोअर सपोर्ट लाइन पर आ चुका है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा आज एक डोजी बनते हुए, अगर मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ, आप यहां देख सकते हैं कि ये एक डोजी बनी है, मतलब एक शार्प फॉल कंटिन्यूसली जो हम देख रहे थे पांच दिन से आ रही थी, पांच दिन के शार्प फॉल के बाद से हम लोगों ने क्या देखा, एक डोजी बनी है और अब यहां पर एक कल बाइंग आ सकती है। तो इस पे हम लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं और इसके जो प्रोबेबली टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो थोड़े हायर साइड में आ रहे हैं, अराउंड इस लेवल पे 475 के आसपास। तो इसके लिए भी हम लोग एक बार वॉच कर सकते हैं, हो सकता है कि यहां तक रिकवरी करे उसके बाद एक दोबारा शार्प फॉल हो, ठीक है। बट अभी तक हम लोग बाय बना सकते हैं। तो लेवल्स और टारगेट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सेकंड स्टॉक आता है बायोकॉन। बायोकॉन बाय करने का रीजन क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देख सकते थे कि ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस था, इसका एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहां हॉल्ट करा आज के दिन और दोबारा ऊपर जाके क्लोज करा, ठीक है। क्लोजिंग पिछली फ्राइडे की क्लोजिंग इधर थी, खुला यहाँ पे एग्जैक्ट नीचे तक गया, अपने रीटेस्ट करा सपोर्ट को और दोबारा हाईएस्ट पॉइंट पे ही जाके क्लोज करा ऑलमोस्ट। तो अब एक दोबारा बाइंग आ सकती है इसके अंदर, ठीक है। और इसके जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रोबेबली एक टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए हम लोग वॉच कर सकते हैं। तो जो भी परफेक्ट टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगी, जो भी एंट्री होगी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप लिंक के थ्रू ही ज्वाइन करिएगा क्योंकि डुप्लीकेट अकाउंट्स बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है टीवी टुडे। इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत होगी, या सो ये चार्ट ओपन हो चुका है। अब इस चार्ट पे मैं बाय करने की सलाह दे रहा हूँ आप लोगों को टीवी टुडे पे। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी आप देख सकते हैं कि ये एक रेंज के अंदर था। ये पर्टिकुलर स्टॉक मैं बहुत बार आप लोगों को दे चुका हूँ, इस लेवल पर भी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, इस लेवल पर भी करा चुका हूँ, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस रीज़न से आप लोगों को ये बाय के लिए सलाह दे रहा हूँ। इस रेंज के अंदर चला था, यहाँ से ब्रेक हुआ, फर्स्ट टाइम आया, रीटेस्ट करा और एक शार्प फॉल आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया है, मल्टीपल टाइम, और ये डेली चार्ट है तो आप देख सकते हैं कितने टाइम तक यहीं पर ही होल्ड करा है और इवेंचुअली आज जाके इसने एक ब्रेकआउट दिया है। तो टारगेट इसका ये लेवल है जो कि आता है 258 के आसपास का, तो ये टारगेट हम लोग इनिशिएट करके चल सकते हैं। हो सकता है कि ये कल के कल ही 258 का टारगेट भी अचीव कर जाए या फिर कल होल्ड कर जाए और परसों हम देखेंगे टारगेट अचीव कर जाए, तो ठीक है। इस पर भी हम लोग एक वॉच लिस्ट पे इसे रख सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। TCS जो कि मैंने आप लोगों को स्विंग ट्रेड के थ्रू दिया था, आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम लोगों ने, मैंने तो पर्सनली और मेरे क्लाइंट्स ने ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करा था, हम लोग प्रॉफिट में निकल आए हैं, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि ये अभी भी एक बाय रेंज में मुझे दिख रहा है। मैंने सोचा था कि अब थोड़ी सी डिप आ जाएगी तो मैं एक्यूमुलेट करूँगा, बट इवेंचुअली ये हाई लेवल पर ही क्लोज करा है। ये आप देख रहे हैं, ये एक फ्लैग पैटर्न है, ठीक है, और इवेंचुअली उसका ब्रेकआउट देने वाला है। अराउंड ब्रेकआउट लेवल है 2335 का, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देगा तो और हैवी मूवमेंट आ सकती है। ये स्विंग ट्रेड के लिए था, मैंने अराउंड आप लोगों को 2295 के आसपास मैंने बाय की सलाह दे रखी है, ठीक है। तो इस पर आप लोग बाय इनिशिएट करके चल सकते हैं और प्रोबेबली मुझे लगता है कि 2500 तक इस महीने के अंदर आराम से जा सकता है। सो ये थी हमारी बिट। और नेक्स्ट स्टॉक आता है लास्ट, नौसेल इंडिया। अब नौसेल पे जैसा कि मैंने आप लोगों को ये वाला स्टॉक पहले भी रिकमेंड करा था, मैं आपको दिखा देता हूँ किस लेवल पे। या इधर आप देखिएगा,
कि ये नॉसेल के स्टॉक पे क्या परफॉर्म हो रहा था। देखिए सिंपल एनालिसिस है, अगर आप लोगों को एनालिसिस मेरी समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को मेरी एनालिसिस समझ में आती है। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हमें नहीं समझ में आती है, तो मैं सीधा सिर्फ टारगेट या स्टॉप लॉस ही प्रोवाइड करवाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मल्टीपल यहाँ रेजिस्टेंस था, ये देख सकते हैं रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, रीटेस्ट करा, दोबारा ऊपर बढ़ा, ये पहला रेजिस्टेंस था जहाँ पर ये हॉल्ट करा था अपने में। तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी कल और आज दो दिन मैंने रीटेस्ट की वीडियोस आप लोगों के सामने बताई और आप लोगों को रीटेस्ट के बारे में बताया है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे ये जो कैंडल थी, इस कैंडल पे मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं पिछली मेरी वीडियोस में, और ये हमारा टारगेट अचीव हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा है कि दोबारा ये उसी लेवल पर बढ़ रहा है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये लेवल था, ये वाली कैंडल ने इसका ब्रेकडाउन दिया, नीचे आया और दोबारा वहीं हॉल्ट कर रहा है। तो जैसे ही ये 132.5 के ऊपर निकलेगा, एक अच्छी मोमेंटम इसमें आ सकती है 135 के लेवल्स तक की, तो इसको भी हम लोग वॉच करके चल सकते हैं। ये थे हमारे पर्टिकुलर 5 स्टॉक्स जिस पर हम लोग कल ट्रेड कर सकते हैं। प्लस आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे, तो ये मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था क्या प्रोसीजर है, उस पर कैसे ट्रेड करना है। और सिंपल निफ्टी में वैसा ही हुआ था जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, हमने आप लोगों को बताया था कि अराउंड 11,250 पे आए तो आप लोग एक बाय के मौके ढूंढेगा और 11,350-380 के आसपास आप लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही हुआ था, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन का इशू है बट चार्ट ओपन हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ी लेट आई होगी क्योंकि ये अराउंड थोड़ी लेट आ रही है वीडियो, क्योंकि मैं अभी बाहर किस काम से गया हुआ था और मैं अभी ही आया था, तो मैंने बहुत जल्दी में वीडियो बनाई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर आप देखिएगा कि मैंने आप लोगों को बताई थी ये बात कि ये लेवल, इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं चाहिए। इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग आ गई तो बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है, बट क्लोजिंग कोई बात नहीं, ऊपर ही आई है, अराउंड 350 मतलब लेवल्स के आसपास ही आई है जिस तरीके से दिख रहा है। तो अभी हम लोगों को वेट करना चाहिए। मैंने आप लोगों को, अगर आप डिप देखेंगे तो अराउंड 11,250 के पास ही आई थी, और अगर आप लोगों ने बाय करा होगा तो अच्छी बात है, बट अभी ऊपर क्लोजिंग हुई है, अभी भी कोई बाय के लिए कन्फर्मेशन नहीं है। मैं कन्फर्मेशन पे तब जाऊँगा जब ये 11,380 या 400 के ऊपर दो दिन कंटिन्यूसली क्लोज करेगा, तभी मैं निफ्टी में फ्रेश बाय पोजीशन बनाऊंगा, वरना मैं ऊपर पे शॉर्ट की ही सलाह देखूंगा। बैंक निफ्टी पे अगर हम लोग बढ़ते हैं, या बैंक निफ्टी पे जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने आपको कहा था ये बात कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था और 23,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी थी, इसके नीचे एक क्लोजिंग दे चुका है। तो कल अगर एक गैप अप ओपन होती है या कल अगर एक ऊपर की तरफ खुलता है तो मैं कहूँगा कि आप लोग क्लियरली एक शॉर्ट कर सकते हैं, और प्रॉबेबली जो मुझे लगता है कुछ टाइम पे ये 22,500 से लेके 22,400 तक आ सकता है। ठीक है, अब ये ना हो कि कल एक अच्छी खासी स्ट्रांग कैंडल इस बड़ी तरीके से बना दे और 22,300 के आसपास जाके क्लोजिंग दे दे, ठीक है, तब हमारा सिनेरियो पूरा चेंज हो जाएगा। तो जब तक ये 23,100 या 23,080 के नीचे है, हमारे लिए अपसाइड में शॉर्ट करने के मौके हैं, बट अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ती रहती है, प्राइस एक्शन आपको लगता है कि ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो छोड़ दीजिए, ट्रेड मत करिए, वह हम लोग बाय के लिए नेक्स्ट टाइम मौके ढूंढेंगे। तो ये थी हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी पर एनालिसिस प्लस स्टॉक्स की एनालिसिस। तो अगर आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसी तरीके की वीडियोस आप लोगों के साथ मैं लेकर आते रहूँगा। और अगर आप लोग नए हैं और अगर आप लोगों को कन्फर्मेशन चाहिए हमारे चैनल की कि मैं कैसे कॉल्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ, तो प्लीज़ आप हमारी प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं और उन्हें मार्केट के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी कॉल्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है, तभी आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इस पर हम लोगों को जल्दी आप लोग सब्सक्राइब मत करिएगा, एक बार टेस्ट करिए, रिसर्च कर लीजिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है हमारा चैनल तो ही सब्सक्राइब करिएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पे। मैं शिवाज भसीन साइनिंग ऑफ़।